चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं सोयाबीन की फ्राइड राइस। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, 2 से 3 4, क्योंकि हमें इसको सोयाबीन को थोड़ा फ्राई भी करनी है तो तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन चॉप किया हुआ, थोड़ा सा अदरक चॉप की हुई, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और तुरंत डाल देंगे प्याज, 1 चॉप करी हुई प्याज है। अगर आपको इनमें से कुछ भी कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ में हम डाल देंगे सोयाबीन, इसको मैंने भिगो के बारीक बारीक छोटे छोटे काट लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं फ्राई करके, ज़्यादा नहीं टाइम लगेंगे, 1 से 2 मिनट लगेंगे। देखिए ये सारा हमारा फ्राई हो गया, हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब तेल आपको कहीं नज़र आ रहा, कहीं नहीं है तेल। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा फ्रोजन मटर, इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे साथ में, ताकि नमक इसको सॉफ्ट करेगा तो जल्दी जल्दी पक जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे स्प्रिंग ऑनियन भी, इसको अच्छे से मिला लेते हैं सारे चीज़ को। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं मीडियम आंच पे। चलिए देख लेते हैं, देखिए हमारा ये पक गया और अच्छा भी लग रहा है, सारा कुछ हल्का हल्का ब्राउन सा हो गया तो देखने में अच्छा भी लगेगा और खाने में अच्छा भी लगेगा। और ये हमारा मटर भी पक के तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 कप चावल, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको कहीं तेल नज़र आ रही है ज़्यादा, जितना डाला था मैंने? नहीं ना, क्योंकि खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये हमने मिक्स कर लिया, इसमें धनिया डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स सोयाबीन फ्राई राइस भी बनके तैयार हो गया, देखते देखते ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और हमारे पास टाइम भी बहुत बच जाते हैं और खाने में टेस्टी होती है। अब चलिए इसको फटाफट हम सर्व करते हैं, गैस को ऑफ करती हूँ।